घर के काम एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कुछ चीज़ें होती हैं, स्टिल हम उनको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। हर चीज़ के लिए हम डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइज़र ढूंढते रहते हैं, शॉपिंग करते रहते हैं, जो कि हमारे क्लटर को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको कोई प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं करने वाली हूँ, बट कुछ ऐसे 9 जीनियस होम हैक्स शेयर करने वाली हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज कर दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रति। स्वागत करती हूँ आपका होम ट्विक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे होम हैक्स की, टिप्स एंड ट्रिक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान बनाते हैं। मगर हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा होम हैक आपका फेवरेट रहा और आपको पसंद आया। बढ़ते हैं अपने इन अमेजिंग होम हैक्स को जो आपको डेफिनेटली पसंद आने वाले हैं। बारिश का मौसम जितना अच्छा होता है उतना बीमारियां भी साथ लेके आता है। वायरल का मौसम चल रहा है, मैं खुद अभी वायरल से सफ़र कर रही थी। 10 दिन के बाद मैं अब जाके उठी हूँ। तो हमारा जो पहला होम हैक है वो इसी से रिलेटेड है। घर में अगर कोई बीमार पड़ जाता है ना भाई, काम तो वैसे घर का होता ही है बट साथ में और बढ़ भी जाता है, बिकॉज बीमार इंसान की केयर भी करनी पड़ती है, अलग से फूड भी प्रिपेयर करना पड़ता है, अलग से देखभाल भी करनी पड़ती है। इसके लिए मैं आपके लिए एक होम हैक लेके आई हूँ, जिसमें आप इनके जो दवाइयों का सेक्शन है वो अलग कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा एक सेग्रीगेशन हो जाए और आपका थोड़ा काम कम हो जाए। जैसे कि मैं आपको अपना सिनेरियो बताती हूँ। सबसे पहले मेरे हस्बैंड बीमार पड़े एंड उसी की इमीडिएटली 5 दिन के बाद मैं भी बीमार पड़ गई। हम दोनों बीमार पड़े हुए थे घर में, और कोई भी नहीं था घर में हमारी केयर करने के लिए। इसको आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने इस तरीके का एक बॉक्स प्रिपेयर कर लिया, जिसमें कि था थर्मामीटर, SPO2 मॉनिटर, आजकल ये तो सभी के पास होता है, कोविड में इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला था, बीटाडीन गार्गल सॉल्यूशंस, कफ ड्रॉप्स, सैरेडॉन, और जो दवाइयाँ डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई हैं वो सब रखी हैं। इवन मैंने 2 टाइप के थर्मामीटर भी रखे हैं, आप जैसा मर्जी थर्मामीटर यूज़ करते हो वैसा रख सकते हैं। सो ये एक आपका मेडिसिन बॉक्स प्रिपेयर हो जाता है। इसमें मैंने क्या किया था कि मैंने अपना और अपने हस्बैंड का अलग अलग करके रख दिया था। इस तरीके के भी आप वेरिएशंस कर सकते हैं, या फिर एक वेरिएशन आप कर सकते हैं जिसमें कि आप अलग मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, इस तरीके के 3 बॉक्सेस बना सकते हैं। एक बॉक्स आप अलग कफ ड्रॉप्स का बना सकते हैं, जो कि इजी रहेगा एंड आपको बार बार दवाइयाँ इधर से उधर पूरे बॉक्स में ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। यहाँ पे मेरा और मेरे हस्बैंड का दवाइयों का कोर्स ख़त्म हो गया, तो ये सब दवाइयाँ थी अब जो मैं क्लियर आउट कर रही हूँ। अब इसको मैं सब संभालने वाली हूँ, घर को भी अब मैनेज करने वाली हूँ, बट अभी मेरी बॉडी में उतनी जान नहीं है कि मैं सब काम एक साथ कर पाऊँ। बहुत स्लो जा रही हूँ, बहुत स्टडी जा रही हूँ। वही चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब आप रिकवर कर रहे होते हैं किसी डिजीज़ से, किस तरीके से आप अपना काम आसान बना सकते हैं। आपको ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है, धीरे धीरे, टेक योर टाइम। बॉडी जब रिकवर कर जाए तब आप अपना काम फुल फ्लेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस वक्त इतना थक चुकी हूँ कि मेरी बॉडी अंदर से शिवर करने लग गई है, सो मैंने सोचा थोड़ा ब्रेक लेते हैं, कुछ फ्रूट्स खाते हैं, इंटेक करते हैं, क्योंकि अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया है। सो जब आप फीवर से उठ रहे हैं या किसी बीमारी से उठ रहे हैं, एकदम से ही बिल्कुल काम करना शुरू ना कर दें, टेक इट स्लो एंड स्टेडी। मैंने यहाँ पे अराउंड 10 डेज़ के बाद जाके घर की सफाई शुरू करी थी, बिकॉज हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि अभी भी आप देख रहे हो मैं पड़ी हुई हूँ जस्ट। सो 10 दिन में घर की क्या हालत हो गई होगी वो आप इमेजिन कर सकते हो। फैमिली साइज़ चाहे जितना बड़ा हो, चाहे 2 लोग हों, 3 लोग हों, 4 लोग हों, बट जब घर में कोई बीमार पड़ता है ना, तो भाई काम आपका डबल क्या ट्रिपल हो जाता है। अपने नेक्स्ट होम हैक की तरफ बढ़ने से पहले, भैया मैं यहाँ नाश्ता करने वाली हूँ, चाय पीने वाली हूँ, गर्मा गर्म, गला मेरा अभी भी ख़राब है, थोड़ा सा दलिया खा रही हूँ बिकॉज खाने का अभी भी ज़्यादा मन नहीं है, डाइट कम हो जाती है बीमारी के बाद, इवन बीमारी में ही हम ज़्यादा नहीं खा पाते हैं। नाश्ता करने के बाद मैंने सबसे पहली चीज़ जो करी है भाई, खुद को अच्छे से तैयार किया है ताकि अच्छा मुझे फील हो, और मैंने सबसे पहले चादरें और जो चीज़ें मुझे धोनी थी वो मैंने मशीन में डाल दी कि मेरा वो काम ख़त्म हो जाए। अब इसके बाद ना मुझे ये जो मेडिसिन के बैग्स आए थे, कपड़े वाले बैग्स होते हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे थे। तो मैंने सोचा यार, मैंने आपके साथ लास्ट जो अपनी वीडियो थी उसमें आपके साथ शेयर किया था कि आप पेपर बैग्स कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने घर में, तो मैंने सोचा इस वीडियो में आपके साथ एक और जीनियस ट्रिक शेयर कर देती हूँ, जिसमें कि हम यूज़ करने वाले हैं पेपर बैग्स एज स्टोरेज ऑर्गेनाइजर्स। यहाँ पे जो मैं पेपर बैग्स ले रही हूँ, आप देख रहे हैं कि इसमें जो नीचे बेस है काफ़ी चौड़ा है, 1 mg के ये पेपर बैग्स थे मेरे पास पड़े थे और आई थी इनमें मेडिसिन्स। और यहाँ पे जो दूसरा बैग है ये आप देख रहे हो, तो हम लोगों के पास होते ही होते हैं, ये फ्लैट सर्फेस वाले बैग होते हैं और इनमें ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती, बड़े साइज़ में भी होते हैं, छोटे साइज़ में भी होते हैं, बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। नाउ इससे नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र बनाने का हैक
बहुत ही ज़्यादा इजी है। सबसे पहले आपने इनको जहाँ पे रखना है उतनी ही हाइट का इनको कट कर लो। ये DIY आप बहुत जल्दी घर में बना सकते हो और इसके लिए ज़्यादा चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। जस्ट बैक को उतना कट करना है, लाइक मैं इनको ड्रॉर्स में यूज़ करने वाली हूँ, सो उसी हिसाब से मैं इनको कट कर रही हूँ। और इनका जो हैंडल है मैं वो भी कट कर रही हूँ, बिकॉज उससे हम अपने ऑर्गेनाइजर्स के हैंडल बनाने वाले हैं। दो हमें ये ज़्यादा हैंडल्स नहीं चाहिए, एक दो हैंडल्स ही हमारे लिए काफ़ी थे 4-5 बैग्स के लिए। सो प्रोसेस क्या, अब आप वो देखो, इवन जो इसका ये रेजिड्यूअल बैक का आप सर्फेस देख रहे हो ना, हम ये भी यूज़ करने वाले हैं। बहुत ही ईजी ट्रिक है एंड डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली है। हमारे घर में बहुत ज़्यादा पेपर बैग्स होते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे फाइबर के क्लॉथ बैग्स भी होते हैं। सो सबसे पहले मैंने इसको उल्टा करके अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया, हाफ हाफ फोल्ड कर दिया, एंड आप देख रहे हो ये ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइज़र की शेप ले चुका है। आगे करना क्या है, मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ स्पॉन्ज, इसको थोड़ा सा बेस देने के लिए और अच्छा है इसको स्टैंड करने के लिए स्पॉन्ज यूज़ कर रही हूँ। आप इसमें कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो, मैं अलमीराज में कार्डबोर्ड यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज़ मुझे उसकी स्मेल इरिटेट करती है। आप भी उनमें से हो तो आपको मैं इसमें एक और ऑप्शन बताऊंगी आप क्या यूज़ कर सकते हो। स्पॉन्ज से ये बहुत अच्छा स्टर्डी हो गया था, सॉफ्ट था, कैसे भी आप इसको फोल्ड कर लोगे। एंड इसका बेस हमने स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो इसका रेजिड्यूअल क्लॉथ बैग का अपर पीस है ये हम बेस में यूज़ करेंगे, एंड इससे हमारा बेस भी स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैं आपको इसको हर तरीके से हिला डुला के दिखा रही हूँ, ये अपनी शेप रिटेन करके रख रहा है। इवन अगर हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके अभी छोड़ेंगे ना, ये वैसे ही ओपन हो जाएगा जैसे कि ऑर्गेनाइज़र होता है। इसी तरीके से मैंने बाकी ऑर्गेनाइज़र्स भी तैयार कर लिए हैं। अब इसमें लगाना है हमें हैंडल, सो फ्रंट और बैक मैं दोनों तरफ हैंडल लगाने वाली हूँ। आपके लिए ऑप्शनल है, हैंडल लगाने लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ। सो स्पॉन्ज की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो, ये शर्ट का, आप के पास इस तरीके का कार्ड बॉक्स आता होगा जिसमें शर्ट, मेंस शर्ट रैप होके आती है, राइट? सो इस तरीके का आप ये जो कार्डबोर्ड होता है वो यूज़ कर सकते हो, इसमें से स्मेल नहीं आती है जिस तरीके की कार्टन बॉक्स में से आती है। सो वो आप यूज़ कर सकते हो इस नो कॉस्ट DIY ऑर्गेनाइज़र को स्टेबिलिटी देने के लिए, ये भी बहुत अच्छे से काम करेगा। इवन आप अपने क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र के बेस में भी ये कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हैं उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी देने अगर के लिए, आपको क्लॉथ बैग का ही रिमेनिंग पार्ट यूज़ नहीं करना है। मुझे अपना क्लॉथ बैग पूरा फुल्ली यूज़ करना था इसलिए मैंने उसके बेस में इसका जो हेड हमने कट किया था ऊपर का पोर्शन क्लॉथ बैग का वो ही मैंने यूज़ किया है बेस में हर एक DIY ऑर्गेनाइज़र में। अब यहाँ पे आप लेफ्ट वाला देख रहे हो स्पॉन्ज ऑर्गेनाइज़र है और राइट वाला देख रहे हो कार्डबोर्ड ऑर्गेनाइज़र है। दोनों ही बहुत अच्छे से फोल्ड होके एकदम स्टर्डी हैं। चलो अब हैंडल लगा लेते हैं। हैंडल लगाने के लिए मैं ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ, छोटे छोटे से स्ट्रिप्स मैंने कट कर लिए हैं, जस्ट उनको पेस्ट करना है। नो रॉकेट साइंस, बहुत ईजी है, क्विकली हो जाएगा। ग्लू गन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, चेक कर सकते हो। अब ये वाले जो क्लॉथ बैग थे इनका तो बेस काफ़ी ज़्यादा चौड़ा था, तो हमारे अच्छे से स्पेशियस ऑर्गेनाइजर्स बन के तैयार हो गए हैं। बट अब उन बैग्स का क्या भाई जो इस तरीके से चपटे होते हैं, इनका हम करें भी तो करें क्या, कुछ नहीं कर सकते। बट इनके भी हम ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास छोटा सा ऐसा क्लॉथ बैग है, बड़े बैग्स हों तो उनका स्पेस और ज़्यादा बड़ा होगा, बड़े ऑर्गेनाइजर्स बनेंगे। सो यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया और ये ऊपर वाला जो पोर्शन हैंडल वाला देख रहे हो, अगेन आप इसको एज अ बेस यूज़ कर सकते हो अंदर लाइनिंग के लिए। सबसे पहले अगेन हम इसको फोल्ड करेंगे, इसको उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी ये बिल्कुल प्लेन बैग है, इस पर कुछ भी प्रिंट नहीं है। सॉरी मेरा गला अभी भी ख़राब है, अभी भी रिकवरी मोड में हूँ मैं। सो इस तरीके से हमने बैग को फोल्ड कर लिया है एंड ये एक ना पर्स की तरह बन गया, देख रहे हो फ्लैट पर्स की तरह बिल्कुल बन गया है। अब इसको हम ऑर्गेनाइज़र, स्पेशियस ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए कुछ इस तरीके से करेंगे एंड अगेन इसकी साइड्स में आप कुछ भी फिल कर सकते हो। बेस के लिए सिंस मैंने ऊपर वाला जो हैंडल है वो ज़्यादा कट कर दिया था, सो मैं दूसरा एक छोटा बैग यूज़ कर रही हूँ फोल्ड करके, उसको मैं एज अ बेस यूज़ कर रही हूँ। इसकी साइड्स में अगर आपने कुछ डालना है, फिलअप करना है जैसे कार्डबोर्ड या स्पॉन्ज, तो आप वो कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट है इसका बेस, भाई बेस को अब इसको कैसे स्टर्डी बनाएं। सो हमने करना क्या है कि ये जो बेस में ट्राइंगल फॉर्म हुआ हुआ है इसको हमने जस्ट पेस्ट कर देना है, और मैं उसके लिए ग्लू गन ही यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाएगा, ईजिली पेस्ट हो जाएगा एंड इसके बाद ये बिल्कुल स्टर्डी हो जाएगा। इवन मैंने इसकी साइड में कुछ भी फिल नहीं किया है, आपने करना हो आप कर सकते हो, बट ये बहुत अच्छे से स्टर्डी हो गया है। इवन अगर मैं इसको फोल्ड करके दोबारा से छोड़ भी दूँ ना, ये अपनी शेप दोबारा ले लेगा।
जो मैंने व्हाइट वाला बैग यूज़ किया था या तो उसका हैंडल बना सकती हूँ, या सेम इसी कपड़े के बैग का जो पोर्शन मेरे पास है मैं उसका हैंडल बना सकती हूँ। सो मैं सेम कलर का हैंडल बना रही हूँ एंड अगेन उसके लिए ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ। पेस्ट करने के लिए थोड़ा सीजर यूज़ कर रही हूँ यार, बिकॉज ग्लू हॉट ग्लूज है ना, एक बारी उंगली भी जल गई है, सो इस बारी सीजर यूज़ कर रही हूँ। सो ये देखो कितना क्यूट लग रहा है, छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है, मेरे हाथ से भी ज़्यादा छोटा ऑर्गेनाइज़र है, बट इसकी जो हाइट है काफ़ी अच्छी है। इसको इस तरीके से मैंने यूज़ किया अपने हस्बैंड की कबर्ड में, ड्रॉर में। सो अलग अलग टाइप की चीज़ें मैंने सब रख दी हैं, जैसे एक ऑर्गेनाइज़र में मैंने सॉक्स रख दी हैं, बाकी दो भी मैंने खाली छोड़े हैं बिकॉज उसमें भी मुझे कुछ फिलअप करना है। एक में अंडर गार्मेंट्स रख दी है, जो सबसे छोटे वाला था इसमें मैंने हैंडकरचीफ रखे हैं और छोटी छोटी चीज़ें रखी हैं। सो देखा, ज़रूरी नहीं है कि घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, घर को मेंटेन करने के लिए हम हर भारी एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइजर्स परचेज करें। कुछ चीज़ें हम अपने घर में से DIY कर सकते हैं, कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स होम हैक्स लगा के हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर सकते हैं जिससे कि हमारा घर ऑर्गेनाइज अच्छे से हो सकता है। बाय द वे, वीडियो देखते देखते अगर वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो सबसे पहले कमेंट कर बताओ कौन सा होम हैक आपको अच्छा लग रहा है, और साथ में सब्सक्राइब बटन भी क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल बटन में ऑल क्लिक कर लेना। इस तरीके के मेश बैग्स हम सबके घर में होते हैं जो कि वेजिटेबल एंड फ्रूट स्टोर करने के लिए होते हैं। आप क्या करते हो, सिर्फ इसमें वेजिटेबल या फ्रूट स्टोर करते हो? आज मैं आपको इसके मल्टी यूजेस बताती हूँ भाई, मैं और किस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। सारे तो नहीं बता पाऊँगी बट हाँ कुछ कुछ बता देती हूँ। सबसे पहला है, मैं इनको क्लीनिंग में यूज़ करती हूँ, वॉशिंग मशीन में। मैं अपनी एक्सपेंसिव अंडर गार्मेंट्स हो गए, कुछ भी हो गया इस तरीके का, जो डेलिकेट चीज़ होती है जो अलग से वॉश करनी होती है, बट मशीन वॉश हम ऐसे नहीं कर सकते हैं बाकी कपड़ों के साथ, उसके लिए मैं इस तरीके का मेश पैक यूज़ करती हूँ। एक्सपेंसिव आपकी जो वायर्ड ब्रास होती हैं वो बहुत जल्दी अपना शेप ख़राब कर लेती हैं अगर आप उनको बाकी कपड़ों के साथ मशीन वॉश करते हो। नॉर्मली हमको इनको हैंड वॉश ही करना होता है। इस तरीके से वॉश करोगे तो आपकी जो एक्सपेंसिव ब्रास हैं उनकी वायर अपना फॉर्म जल्दी लूज़ नहीं करेंगी। आपकी जो एक्सपेंसिव ब्रास हैं काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक चलने वाली हैं। लाइक मैं अपने एक्सपेंसिव जो लॉन्जरी होती है उनके लिए इस तरीके के क्लॉथ पैक्स वगैरह परचेज़ नहीं करती हूँ, जो वॉश पैक्स होते हैं एक्स्ट्रा वो परचेज़ नहीं करती हूँ। रादर मैं ये मेश वाले बैग्स मैंने कुछ अलग रखे हुए हैं। इवन मैं अपने हस्बैंड के लाइक सॉक्स वगैरह हो गई या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई वो भी इनमें डाल के रख देती हूँ, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वॉशिंग मशीन में खो नहीं जाती हैं बड़े कपड़ों में। नेक्स्ट इसका जो यूज़ है वो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको बाथरूम में यूज़ करती हूँ, जो आपकी ड्राइड लीव्स होती हैं, सेंटेड ड्राई लीव्स जिसको हम पॉटपुरी बोलते हैं, सो वो मैं इस तरीके के बैग में यूज़ करती हूँ। इसलिए मुझे अपने जो बाथरूम में है कोई भी डिफ्यूज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एयर फ्रेशनर रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ दिस डज़ द वर्क। इस मेश बैग को मैंने वॉल पे लगा दिया है जहाँ पे सक्शन हुक लगा हुआ है। इस मेश बैग में एक लूप था जिसकी हेल्प से मैंने इसको टांग दिया है, एंड उसी सक्शन हुक पे मैं ये ड्रायर भी टांग रही हूँ, जो कि एजेस ओल्ड ड्रायर है भाई। मेरा इतना पुराना ये ड्रायर, आप इसकी हालत देख रहे हो, स्टिल इट इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग। 500 रुपये का लिया था और अभी तक भी ये अपनी वर्थ निकाल चुका है भाई, और ये अभी भी ऐसे भागता है ना ड्रायर की, भाई अच्छे अच्छे ड्रायर इसके सामने फेल है। ये मेश बैग्स ना बहुत इनएक्सपेंसिव होते हैं, सेट ऑफ थ्री आता है कुछ 70-75 रुपीज़ का। सो यहाँ पे मैंने एक तो ये जो मैं आपको बैग दिखा रही हूँ क्लॉथ बैग, ये भी मैंने एक DIY किया है, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ये दूसरा मेश बैग मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, अगेन सक्शन हुक लगा हुआ है, और इसमें मैं स्टोर करती हूँ अपने क्लिप्स, क्लचर्स, कॉम्ब्स जो कि मैं यूज़ कर रही होती हूँ। और स्ट्रेट अवे मैं ये बैग ले जाके ना वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, जब भी मशीन लगती है, हर ऑल्टरनेट डे लगनी है या हफ्ते में 2 बार ही लगनी है उसमें मैं डाल देती हूँ, सो दैट जो मेरे क्लिप्स, क्लचर्स, हेयर एक्सेसरीज़ हैं, इवन रबर बैंड्स होते हैं, सो वो सब वॉश हो जाते हैं। एंड सिर्फ आप ही की नहीं, आपके घर में जो बाकी लोग अपनी हेयर एक्सेसरीज़ यूज़ करते हैं, चाहे कॉम्ब्स हो गए, ब्रशेज़ हो गए, वो सब वॉश करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जो आप राइट साइड में देख रहे हो वो गंदे कपड़ों का बैग है, और ये वाला जो आप बैग देख रहे हो ये हेयर एक्सेसरीज़ का बैग है। सो जब मुझे गंदे कपड़े लेके जाने होते हैं सब चीज़ें एक साथ एक ही जगह चली जाती हैं, मुझे अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ता है कि अभी ये चीज़ मशीन में डालनी है और ये नहीं डालनी है, सो सब चीज़ें एक साथ होती हैं। अब आप यहाँ पे देखो मेरे हाथ में मेश पैक्स भी हैं, और मैंने गंदे कपड़े सब मशीन में डाल दिए, उन्हीं के साथ ये मेश पैक्स डाल रही हूँ, बिकॉज़ ये मशीन में आराम से धुल भी जाएंगे, इधर उधर मशीन में घूमेंगे भी नहीं और कुछ डैमेज भी नहीं करेंगे। इसके बाद सिंस ये इनका मेश मटेरियल है सो इनमें से हवा भी बहुत ईजिली पास ऑन हो जाती है, आपको सिर्फ इनको तार पे जाके चिमटी से टांग देना है, क्लॉथ क्लिप लगा दो, दैट्स इट, एंड ये अपने आप सूख जाएंगे। आपको इनमें से कोई भी चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, जब सूख जाए आपको स्टोर करनी है तब आप निकाल के इनको फिर से इनकी जगह लगा दो जहाँ आप इनको दोबारा रीयूज़ कर पाओ। आपके मेश बैग भी वॉश हो गए, इनमें जो कंटेंट थे वो भी वॉश हो गए, और आपके कपड़े भी वॉश हो गए।
देखा, एक चीज़ है जिसके आप कितने मल्टी यूजेस निकाल सकते हो, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको उसको यूज़ नहीं करना जो कि डिफाइंड है उस प्रोडक्ट पे। प्लांट्स और ग्रीनरी किसी भी डल स्पेस को लिट अप करने के लिए बेस्ट है, और आजकल हैंगिंग प्लांटर्स आर सो मच इन ट्रेंड, बट दे आर एक्सपेंसिव ऑल्सो। अब आप लेने जाओगे तो हज़ार हज़ार रुपये का एक हैंगिंग प्लांटर है। यहाँ पे मैंने एक बहुत सस्ता सुंदर टिकाऊ DIY किया हुआ है, जिसमें मैंने अपने हैंगिंग पॉट्स लगाए हुए हैं। ये देखो ज़रा, ये DIY मैं आपके साथ YouTube शॉर्ट्स में शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो शॉर्ट का। 1 मिनट पूरा फुल इस पे डेडिकेटेड रहेगा। एंड मैंने घर पे कितने सारे हैंगिंग प्लांटर बनाए हुए हैं इसी DIY की मदद से। ये जो पॉट्स हैं, ये नॉर्मल आपके सिरामिक पॉट्स हैं जो कि एज अ हैंगिंग प्लांटर मैंने यूज़ किए हुए हैं। आप इनको कहीं पे भी कैसे भी यूज़ कर सकते हो, पर्दों के ऊपर पेलमेंट पे यूज़ कर सकते हो, या तो दरवाजे के ऊपर यूज़ कर सकते हो। सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लो। यूट्यूब शॉर्ट्स एवरी ट्यूजडे 1 PM एंड एवरी सैटरडे 10 AM आता है, चेक ज़रूर करना। भाई नेक्स्ट होम हैक जो है ना हमारा, हम सबके घरों में होता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हमारे कपड़ों में हो जाती हैं, तो हमें छोटी मोटी सिलाई की चीज़ें फिक्स करना आना चाहिए। और उसके लिए हम रील्स, थ्रेड्स और हमारा जो ये सुई धागे की बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, वो हम संभाल के रखते हैं, बट उनको अरेंज कैसे करना है वो हमें नहीं पता। यहाँ पे मैं अपनी एक कुर्ती फिक्स कर रही हूँ जिसके 2-3 बटन टूट गए हैं। ये एक ऐसी वर्सेटाइल कुर्ती है जिसको मैं किसी भी तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। ऐसे कुर्ती भी पहनती हूँ, ऐसे जैकेट भी पहनती हूँ, ऐसे श्रग भी पहनती हूँ, इंडो वेस्टर्न भी पहनती हूँ और इंडियन पे भी पहनती हूँ। सो बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल और मेरी फेवरेट कुर्ती है इसको। मैंने इतना यूज़ किया, इतना धोया, इतना प्रेस किया, बट स्टिल मुझे ना इसको निकालने का मन नहीं करता। अभी इसका कलर फेड वेड नहीं हुआ है तो मैं यूज़ ही कर रही हूँ। एंड कुछ चीज़ें आपकी ऐसी होती है ना जो आपकी चाहे कि जितना मर्जी घिस लो बट आपको उनको निकालने का मन नहीं करेगा, सो दिस इज़ वन ऑफ इट। ना चाहे आप नॉर्मल सुई धागा यूज़ कर रहे हो या फिर स्विंग मशीन यूज़ कर रहे हो, ये स्विंग मशीन ओशा ब्रांड की है, काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी स्विंग मशीन है। मुझे सिलाई नहीं आती है टू बी वेरी फ्रैंक, बट आई कैन यूज़ दिस मशीन, ये इतनी ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली मशीन है। सो मैं जो अपने थ्रेड्स स्टोर करती हूँ वो इस तरीके से स्टोर करती हूँ। मैंने आपके साथ एक होम हैक ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि मैं किस तरीके से अपने धागों को लॉक करके रखती हूँ यूजिंग एम्प्टी थ्रेड स्पूल्स। सो यहाँ पे मैंने एक ही डब्बा बनाया हुआ है जिसमें मैंने धागे भी रखे हुए हैं, एक ये बॉक्स रखा हुआ है जिसमें कि एक्स्ट्रा बटन्स हैं, कहीं से बटन कोई टूट जाता है, गिर जाता है, वॉशिंग मशीन में होता है, वो मैं सब इसमें स्टोर करके रख देती हूँ। अब आपके भी अगर थ्रेड्स इस तरीके से लूज़ रहते हैं ना, आपने करना क्या है, हल्का सा पानी लो अपनी उंगली पे एंड जो आपका थ्रेड का एंड है उस पे उंगली को जस्ट घुमा दो एंड आपका जो थ्रेड है वो लॉक हो जाएगा। अगर आप मेरा वो वाला ट्रिक नहीं करना चाहते, आप ये वाला ट्रिक भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपके थ्रेड ना हर जगह रोलेंगे नहीं। मैंने अपने सारे थ्रेड्स इस तरीके के टिन के बॉक्स में रखे हैं, और उसका जो बॉक्स का लिड है उस पर इस तरीके से मैगनेट्स लगाए हुए हैं। मैगनेट्स तो मैं कितने तरीक़ों से यूज़ करती हूँ घर पे, अनकाउंटेबल तरीका है, कितने तो मैंने आपके साथ 20 Genius Home Hacks वाली वीडियो में भी शेयर कर दिया था। धीरे धीरे करके सारे होम हैक्स आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे ये जो आप ग्रीन कलर का पैकेट देख रहे हो, ये स्विंग मशीन की नीडल है। अब अगर आप ऊषा की स्विंग मशीन यूज़ कर रहे हो तो आपको कौन सी नीडल्स यूज़ करनी है ये भी देखो। यहाँ पे मेरे पास एक ऑर्गन नीडल्स हैं, ऑर्गन ब्रांड करके है नीडल्स हैं, और एक ग्रीन कलर की नीडल्स हैं। अगर आप इस पर नंबर नोट करोगे ना, इस पर 14x90 दोनों पे ही लिखा है, बट इनका जो साइज़ का डिफरेंस है ना, वो साइज़ का डिफरेंस है। ये वाइट क्रेन की जो ग्रीन कलर पैकेट वाली नीडल्स है ना, ये अगर आप स्विंग मशीन पे यूज़ करने वाले हो भाई, आप सिलाई कर ही नहीं पाओगे, आपका धागा इतना टूटेगा, इतना टूटेगा कि आप एक तरफ हो जाओगे कि भाई माफ़ करो मुझे ये सिलाई करनी ही नहीं है, आप हाथ जोड़ दोगे। सो लेनी है तो ये ऑर्गन वाली नीडल्स लेना, ये बहुत ज़्यादा मशीन के साथ भी यही वाला पैक आता है ऑर्गन नीडल्स का, 3 का पैक आता है, बट जो मैंने लिया है वो 5 का पैक है, रीफिल पैक। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। अगर आप सिंगर ब्रांड की भी स्विंग मशीन यूज़ कर रहे हो और आप ओरिजिनली 14x90 की नीडल्स यूज़ कर रहे थे, देन ऑल्सो आप वो वाली नीडल्स यूज़ कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। सो यहाँ पे ये जो बॉबिन होती है इसको भी मैं इस तरीके से लॉक करके इसी सेम डब्बे में डाल देती हूँ। तो भाई मेरा ना एक यूट्यूब शॉर्ट्स आने वाला है जिसमें कि मेरा DIY अवतार AKA रीटा, नॉट रति बट रीटा, DIY अवतार आपको मिलने वाली है। वो वाला फनी यूट्यूब शॉर्ट ज़रूर देखना भाई, उसने बनाया क्या है, सिलाई आती जाती नहीं है बट कुछ बहुत अच्छा बन के बाहर आया है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा होम हैक है भाई इज रिलेटेड टू बुक्स। जितने भी बुक वर्म्स है ना यहाँ पे, ये आपके लिए है। पता नहीं क्या है बट बुक स्टोरेज हमेशा ही कम रखती है। जो मुझे रीडिंग बुक्स लगती है ना, जो हमारे बेडरूम में होती हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से सामने चाहिए होती है। तो मैंने इसी तरीके से रखी हुई थी जो कि आपको पीछे गिरी हुई दिख रही है। उसके लिए मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ, ये लिड होल्डर यूज़ करने वाली हूँ। ये मैं किचन में यूज़ नहीं कर पाती हूँ बिकॉज इसकी जो लेग्स है ना वो हाइट में बहुत बड़ी है, और जब मैं इसको कबर्ड में रखती हूँ तो वो हाइट इतनी लंबी हो जाती है कि लिड उसमें ढंग से फिट हो ही नहीं पाती है। बेसिकली हाइट का प्रॉब्लम है। इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ एज अ अपना बुक होल्डर। सो मैं यहाँ पे सारी नॉवेल्स जो अभी प्रेजेंट हैं यहाँ पे मेरे पास बेडरूम में, वो ही अरेंज कर रही हूँ। जो साइड में आपको डब्बे दिख रहे हैं ना, ये सारे थोड़ा सा मंचिंग के लिए, हेल्दी मंचिंग के लिए, जिसमें कि है खजूर, अंजीर और मनक्का, काला मनक्का। सो ये मैं बेडरूम में ही रखती हूँ बिकॉज़ कभी कभी ना ऑड टाइम्स पे आपको मंचिंग की वो तलब सी उठ जाती है। तो यहाँ पे ये जो मैंने अरेंज तो कर दिए हैं नॉवेल्स, बट एक प्रॉब्लम हो गई कि ये ना सेकेंड शेल्फ है। सो सेकेंड शेल्फ जो है ये बिल्कुल आई लेवल पे आ रहा है। मैं नॉवेल्स को देख नहीं पा रही हूँ, इनका टाइटल क्या है, कौन सी बुक कैसी है। उसके लिए मुझे एक एक बुक उठा के देखना पड़ रहा है, वो दिस इज़ द बुक। सो इसको मैं प्लेस चेंज करने वाली हूँ। इसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, इसको एक स्टेप और नीचे लेके आने वाली हूँ। और यहाँ पे अब मैं देख सकती हूँ क्लियरली कि मुझे कौन सी नॉवल कब कौन से मूड में रीड करनी है। एंड मून ग्लोब का, मून लाइट है बेसिकली ये, इसका मैं प्लेस चेंज कर रही हूँ। एंड इसके आगे एक शंख रख रही हूँ जो मैं कन्याकुमारी से लेके आई थी। सो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ये अमेजिंग होम हैक्स बहुत पसंद आए होंगे। इनमें से आपका कौन सा फेवरेट है नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पे लाइक कर लो। भाई इंस्टाग्राम पे अलग अलग रील्स आ रही हैं जो कि आपको ना यूट्यूब शॉर्ट्स पे मिलेंगी और ना ही वीडियोज़ में मिलेंगी। गो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड वहाँ पे जो कंटेंट है ना वो आपको बहुत पसंद आने वाला है। इवन संडे को मैं आपको बता भी देती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आने वाला है। तो जी अपनी प्रतिष्ठा मान परंपरा कायम रखते हुए हम अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच भाई, हमने 1000 सब्सक्राइबर्स, आई मीन अपना फर्स्ट माइलस्टोन अचीव कर लिया है। सो 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 ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। भाई आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया चैनल को, बहुत प्यार दिया है हर एक वीडियो को। इतना ही प्यार इंस्टाग्राम पे भी दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियोस में क्या अच्छा लग रहा है, या फिर आप कोई अगर टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं वो भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है आप ही के सजेशन पे आ जाए, हु नोज राइट। आपको आज का वीडियो 9 जीनियस होम हैक्स, वेल दे हैव कम्प्लीटली चेंज माई लाइफ। इनमें से आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, नीचे कॉमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। होम मेंटेनेंस ना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ता है एंड आपको कुछ इस तरीके के टिप्स एंड ट्रिक्स निकालने पड़ते हैं जो आपके लिए वर्क करते हो। चलिए मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। भाई मौसम थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में।